सो हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल, कैसे आप सभी लोग। और गाइज, आप सबका स्वागत है यहाँ पे एक और नई वीडियो में। और तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए लेके आ चुका एक और नया एपिसोड गाइज, डार्क सर्वाइवल इवॉल्व का आर्क प्रामल फियर प्लस आर्क ओमेगा का गाइज। और आर्क प्रामल फियर प्लस आर्क ओमेगा के पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कि हमने जो ना गाइज लुनार बायोम एक्सप्लोर करा था, हमारा बेस जो है गाइज वो कंप्लीट करा था। यहाँ पे थोड़े से जो ना गाइज मेटल वेटल पिघलाने के लिए डाले थे। उसके बाद हमने यहाँ पे एक छोटो मोटो सा 720 लेवल का डोडो भी टेम करके हम लेके आ गए थे। और आज की इस एपिसोड में हम जाके कोई खतरनाक ओपीसा डायनो टेम करके लेके आने वाले, क्योंकि हमको थोड़ा सा सीमेंटिंग पेस्ट और गाइज यहाँ पे जो ना कि काम कर भाई थ्योरी। अबे थ्योरी को बेहोश कैसे करेगा, थ्योरी तो है भाई, थ्योरी को टेम तो कर लूँ, बेहोश कैसे करेगा। सबसे बड़ी तो भाई प्रॉब्लम वही है ना गाइज, यहाँ पे भाई टेबल वेबल, रुक जाओ भाई, वाली टेबल बना दूंगा क्या, उसको क्या बोलते, स्मृति बोल देगा इसको, उनको स्मृति नहीं बोल दे, वर्क बेंच बोल देगा, ओमेगा वर्क बेंच ना, ओमेगा वर्क बेंच बना ले भाई। ये क्या चीज़ है भाई, इन बुक्कू वर्क बेंच। अबे ओमेगा और इन बुक्कू बिक्कू क्या है भाई ये, अब बुक्कू कहाँ बाबा ये, मेरे को देखने तो भाई ये ओमेगा वाला एक अलग सा वर्क बेंच है और ये इन बुक्कू वाला गाइज कोई और अलग सा बेंच है। पता नहीं चल रहा कि ये दो बेंच होना गाइज ये है क्या एक्चुअली में भाई। ठीक है, ये यहाँ पे लगा डाल, इसके अंदर क्या बना लेगा, सिलेक्ट एन आइटम टू इनव्यू, चले बेटा। अच्छा सिलेक्ट, इसेंस रिक्वायर्ड, इसेंस चाहिए भाई, लाड में आ रहा है क्या भाई, वो क्या चीज़ है भाई। हाँ इसके अंदर सेडेटिव बनेगा ना भाई, सेडेटिव तो बन जाएगा ना भाई, बता मेरे को, अल्फा इसेंस नार्कोटिक। अरे यार नार्कोटिक कहाँ से बनाओ, मेरे पास खुद स्पॉइल मिट एक बड़ा हुआ है बस। यार अपन को थोड़ा सा भाई ऑयल और वो चाहिए होगा, ऑयल ओक मिनट रुक जाओ, मेरे को ऑयल चाहिए ना, सीमेंटिंग पेस्ट चाहिए ना। थ्योरी का सैडल बन जाएगा क्या बेटा, रुक जा बता, थ्योरी का सैडल बन जाएगा, थ्योरी को नॉकआउट कैसे करूँगा यार, थ्योरी का तो मैं बना लूँ सैडल, सैडल बनाने के लिए थ्योरी का भाई उतना ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थ्योरी का सैडल तो बना लूँगा। सबसे बड़ा सवाल है थ्योरी को नॉकआउट कैसे करूँगा भाई, मेरे पास ना स्पॉइल मिड है और ना ही कोई चीज़ है भाई। मिड स्पॉयलर बना सकता हूँ, मिड स्पॉयलर के लिए सीमेंटिंग पेज चाहिए होगा भाई। ठीक है, मतलब किसी केरेटिन अपने पास है क्या, केरेटिन आई थिंक मेरे पास नहीं होगा, नहीं चिटिन होगा ना, नहीं चिटिन होगा, नहीं गाइज चिटिन और केरेटिन का पहले जुगाड़ करना पड़ेगा। एक मिनट रुक जाऊँ, सोल बॉल बना ले बेटा, सोल बॉल बना ले, सोल गन बना सकता हो क्या, आई डोंट नो, सीमेंटिंग वेस्ट चाहिए होगा मेन, सबसे भाई मेन जरूरी चीज़ है सीमेंटिंग वेस्ट अपने लिए भाई। ठीक है चलो आ जाओ, कन्वर्ट मार इसको, कन्वर्ट मार के यहाँ पे रख ले भाई। ठीक है चलो आ जाओ गाइज, मैं बाहर जाके ना भाई थोड़ा सा चिटिन और केरेटिन लेके आता, सीमेंटिंग वेस्ट से अपनी सोल गन बन जाएगी एंड उसके बाद जो ना गाइज अपन बाहर जाके थ्योरी टीम करेंगे और थ्योरी से लुनार में जाके भाई इलेक्ट्रॉनिक लेके आएंगे भाई। ठीक है, प्लानिंग तो गाइज काफ़ी ज़्यादा लंबी चौड़ी है, बट अभी क्या करें भाई, अपने पास और कोई चारा नहीं भाई, अपन को ये करना पड़ेगा। केरेटिन नीचे दिखाई दे रहा है, चिटिन दिखाई दे रहा है, लेकिन भाई हेल्थ काफ़ी ज़्यादा तगड़ी है भाई, मेरे को किसी लो हेल्थ वाले डायनो को पेलम पाल देना पड़ेगा। ठीक है लोंडा भाई, 300 के भाई, लगभग 300,000 भाई। व्हाट द हेल इज दिस ब्रो, ये क्या जगह है, ये समझ में ना आ रहा क्या जगह भाई, अंदर कोई भाई खतरनाक सा डायनो निकल जाए भाई ना, बच जाएगी यार ये जगह तो, अपनी गुफा की तरह लग रही है यार। और आई थिंक ये शॉर्टकट है, ये आई थिंक शॉर्टकट है क्या, लग तो वैसे कुछ रहा है, हाँ लग तो वैसे कुछ रहा है कि ये शॉर्टकट है गाइस ऑपोजिट में जाने का। हाँ ये क्या भाई, ये तो शॉर्टकट निकल गया भाई, ओ आई शिट, कॉमेट डोड ऑन, मैं नहीं जानता तुमको भाई, मैं नहीं जानता तुमको, मैं कल्टी मार रहा हूँ भाई, वुल्फ बिल्फ के सामने भाई मेरे को लेके आ रहे हो भाई, और वो कोई नॉर्मल वुल्फ नहीं थे गाइस, ठीक है वो कोई नॉर्मल वुल्फ नहीं थे, बहुत ज़्यादा खतरनाक वाले वुल्फ थे भाई, उनके सामने मैं एक सेकेंड ना टिक पाता भाई, मैं आया ही से था क्या, हाँ आया ही से था भाई। चलो निकल लो भाई, निकल लो भाई, निकल लो, मैं भाई नहीं जाने वाला वहाँ पे, मैं चुपचाप घूम के जा रहा हूँ गाइस इस तरफ, इस डायरेक्शन में कहीं पे भाई घूम लूँगा, मेरे को मिल जाएगा भाई कोई डायनो भाई, चिटिन बिटिन भाई वाला, उसको पेल दूंगा भाई, ओवी से तो भाई मेरे को वो मिल जाएगा पेल्ट भाई, मात्र पेल्ट की ज़रूरत नहीं, अभी मेरे को चिटिन चाहिए मैंने यार, चिटिन और कौन कौन देता, बड़ा सा डायनो छोड़ के, क्योंकि छोटे छोटे जो डायनो है ना गाइस वो नॉर्मल वर्जन मेरे को नहीं मिलने वाले यार, और सीमेंटिंग बेच के बिना अपना काम 25 नहीं होगा भाई। स्टैमिना डाउन हो रहा है लोंडे का, स्टैमिना डाउन हो रहा है, थोड़ा संभल के चला जा, आजा चला जा भाई, खाना चाहिए तेरे को, एफएम के वाला पोशन बनाना पड़ेगा, रुक जाओ हंगर पोशन, चले बेटा बस इतने से काम बन जाएगा ना, हाँ 20 तो बन गए भाई, 20 से काम बन जाएगा मेरे को, बताए यहाँ पे
कोई खतरनाक तो डायनो नहीं है ना, या फिर मैंने गुल्प देखे थे आते वक्त गाइज, ठीक है। चीटिंग देगी क्या? नहीं भाई, ये तो नहीं देगी यार चीटिंग, ये तो चीटिंग ना देगी भाई। यहाँ पे कोई भी नहीं लग रहा गाइस, मेरे को ऐसा डायनो जो चीटिंग देगा भाई। चीटिन और केरिटिन सीमेंटिंग बस में ढाप के लेके आ सकता था गाइज। इसको भाई ले ले, एक्सोजन ले ले। जीरो का है एक्सोजन भाई। बियर बियर भाई, चारकोल वुड वाला बियर है वो, बंदर सर जी है भाई ये। अर्थ स्ट्रोम भाई, अर्थ स्ट्रोम बिर स्ट्रोम मिल रहा है भाई। अबे बाप रे, कॉमेट बिमेट गिर रहे हैं भाई, ठीक है। ब्रुगाइज यहाँ पे कल्टी मारना पड़ेगा। बंदर के चपेट में ना आ रहा है, बंदर के चपेट में आ गया ना तो लग जाएंगे। फर्टिलाइजर कहाँ से मिला पता नहीं, कहाँ से फर्टिलाइजर मिल गया गाइस मेरे को। मैं तो फुल टू भाई कल्टी मार रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। और गेम का इसलिए कम कर रखा है मैंने गाइस, क्योंकि आपको पता ही है गाइस क्यों कम कर। शिट, वुड वाला कितने हिलता है? 27,000 भाई। इसको वुड वाले को भी ना मार पाऊंगा कोई भाई, फोकट में मरा हुआ डायनो नहीं है। ये चिटिन ना देगा यार, ये तो पेल्ट देगा। पेल्ट तो मेरे पास पहले से पड़ा हुआ है भर भर के यार। यार ये भी नहीं है गाइस, मैं सीमेंटिंग बेस भाई फोकट में ले सकता हूँ, पता है कैसे? मेरे को बस झील के पास पहुँचना है, और झील के पास जो ना गाइस मेरे को अनलिमिटेड जो ना गाइस यहाँ पे मिल जाएगा बड़े आराम से सीमेंट। अनलिमिटेड तो नहीं मिलेगा, 400-500 तो बड़े आराम से मिल जाएगा। व्यूवर डैम लूट के भग जाऊंगा ना गाइस वहाँ से, क्या बोलते हो? कैसे लगा मेरा प्लान? है ना एकदम खतरनाक वाला। चलो आ जाओ, चलो आ जाओ, आ जाओ भाई। जंपे जंपे मार मार के नीचे कूद जाएंगे अपन, डरते क्या बेच गया। चलो आ जाओ, और साथ में भाई आते वक्त भाई थोड़े से भाई डोडो बीडो को भी टेम करके लेके आएंगे। कैसा है तेरे तेरे ऊपर से उड़ के जा रहा हो? अरे बाप रे, नॉक बैक है भाई, मैं उससे पंगा नहीं लेता मैं, वरना मेरी बैंड बजा के रख देगा। यहाँ पे अगर भाई डोडो बीडो मिला ना तो उसको टेम कर लूँगा मैं। देख लो 12,000, अकेला ही लग रहा है ना, लग तो अकेला ही रहा है भाई। मेरा डैमेज कितना जाएगा वो दिक्कत देते, वो देखना पड़ेगा। वाह वाह, रहने दो बेटा, बेटा रहने दो भाई, मेरे को ना टेम करना इसको भाई। मेरा इतना घटिया डैमेज जाएगा मैंने सोचा भी नहीं था भाई। तू भाई बेरी से टेम होगा क्या? ना यार, इसको तो किबल चाहिए यार, यार सबको किबल चाहिए यहाँ पे भाई। कहाँ से लेके आए किबल? अरे बाप रे, डोडो की जन्नत में आ गया भाई। यहाँ से भाई बहुत सारे डोडो में टेम करके लेके जा सकता हूँ। उतर जा नीचे बेटा, डोडोस को पहले ऐसा बोला करने का, उसके बाद स्पेशल हथियार निकाल के कोपचेवाड़ी में मस्त देखिए टॉर्पोर देने का भाई, ठीक है। दबा के टॉर्पोर देने का, बस वो टूट भी गया मेरा भाई, ये बना ले, रिपेयर कर ले। उसके बाद इनके अंदर डाल देने का ये टेम हेल्पर, उसके बाद इनके अंदर डाल देने का भाई बेसिक केबल भाई, ठीक है। बेसिक केबल भाई जितना बन सकता है उतना बनाने के लिए डाल दे, ज़्यादा नहीं बेटा, ज़्यादा नहीं बनाना भाई, ठीक है। क्योंकि मेरे को ज़्यादा डोडो नहीं चाहिए भाई, 5-6 डोडो हो जाएंगे अपना काम हो जाएगा भाई, ठीक है। और ये भाई ऐसा टेम हो जाएगा, फिर उसके बाद इसको ऐसा क्रायो कर लेने का भाई, ठीक है। चलो डन 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 डन, कोई आया तो नहीं भाई? मैं डर गया यार, लगा कौन आ गया भाई यहाँ पे। अभी कुछ तो चाहिए होगा मेरे को ये करने के लिए यार, वो बनाने के लिए। हाथ से मारूँ क्या? हाथ से मारना पड़ेगा लग रहा है मेरे को इनको भाई, हाथ से मार देंगे। डरते क्या गाइस, डरते क्या? अरे 1K भाई, वो 1.3K यार। अरे भेज गया 700 लेवल के, कहाँ से आ गए यार तुम? और तुमको हाथ से मारते मारते भाई मेरी बैंड ना बच जाए यहाँ पे भाई, मैं ना मर जाऊँ इनको हाथ से मारते मारते। कोई सीन नहीं, कोई सीन नहीं भाई, बेहोश करके रहूँगा गाइस। मेरे को डोडो चाहिए, मतलब चाहिए भाई। इन्हीं से तो अपन को भाई अंडे मिलेंगे यहाँ पे, और उन्हीं अंडे से जो ना गाइस अपन आगे जाके भाई खतरनाक वाले किबल बनाएंगे भाई। भाई गलती से 21 को ना लग जाए। अरे लग गया क्या? नहीं लगा, ये मारेगा नहीं 21। अच्छा है भाई। अरे बाप रे, और मेरे भाई आँखों के सामने यहाँ पे साइड में कॉमेट गिरा है भाई। अच्छा मेरे ऊपर नहीं गिरा, वरना मेरी बैंड बच जाती भाई। अरे बेटा ये किबल का तो भी कन्वर्टर वाला वो कन्वर्ट करके रखता भाई, हो जाए टाइम। शाबाश भेज क्या भाई, जान जाए तो जाए, बट भाई डोडो ना जाए भाई। भाई बस हो गया भाई, वो डोडो। अच्छा ये यही पे है क्या बेटा? इधर आना, इधर आना, मेरे से टेम हो जा बेटा, टेम हो जा, टेम हो जा। 650 लेवल भाई। भाई मेरे को लग रहा है कि मैंने अपने भाई सर्वर की लेवल जो ना वो थोड़ी सी बूस्ट कर दी है गाइस, उस रीजन से ना काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल के डायनोज, हाई लेवल के डायनोज मतलब हाई लेवल का डैमेज ना मेरे भाई लोग, क्या बोलती पब्लिक, एकदम खतरनाक वाला डैमेज जो ना गाइस अभी भाई डायनो देंगे अपने यहाँ पे। बाप रे बाप रे भाई, बहुत ज़्यादा झगड़ा झगड़ी चल रही है यार, जल्दी टेम कर ले, इतने डोडो से काम बन जाएगा यार अपना। अभी हो जाना एक्सेस इन्वेंट्री। हाँ ये ले बेटा, ये पहले किबल खा ले, टेम हो जा भाई इसके। ये ले, हो जा टेम। हाँ भाई कैंसिल, कन्वर्ट 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 कन्वर्ट। हाँ भाई ये ले, इसको टेम कर ले गाइस, हो गया काम 25 भाई। चलो लेट्स गो, इसको ये कर ले भाई। चलो आ जाओ, अभी मेरे को सीमेंटिंग बेस ढाप के बस कल्टी मार लेना है भाई, ठीक है। अपन जा रहे भाई झील के पास, वहाँ से अपन सीमेंटिंग बेस ढापेंगे, वो डायरेक्टली सीधा कल्टी भाई, कल्टेश्वर जी भाई। अपन को डायनो जितने चाहिए थे उतने मिल गए, इन डायनो से जो ना गाइस अपन बड़े आराम से जो ना गाइस यहाँ पे अंडे भाई निकाल सकते हैं भाई। टोटल 4 डोडो मिल गए ना गाइस, इनकी ब्रीडिंग करके जो ना गाइस इनकी फुल टू आर्मी बना डालेंगे भाई। आओ शिट, थोड़ा कल्टी मार, कल्टी मार, गोटा कल्टी मार, इसके मुँह के सामने नहीं थे, उल्टा मेरे को ना चिप डाले।
यहाँ पे बीवर डैम एक भी दिखाई नहीं दे रहा। वो देल अबे यार बीवर डैम एक भी दिखाई नहीं दे रहा, दैट स्ट्रेंज गाइज। एक्चुअली मैं इस एरिया में बीवर डैम होना चाहिए भाई, मैं बीवर डैम के भरोसे पे इतना दूर आया हूँ भाई। बीवर डैम ही नहीं मिला तो मेरा पोपट हो जाएगा, क्योंकि मैं किसी डायनो को भी नहीं मार सकता। ऊपर से वो रोडॉल्फ भी नहीं दिखाई दे रहा यार, रोडॉल्फ को नॉकआउट कैसे करता, लेकिन दिखाई देता तो भी उसको नॉकआउट कर पाना अभी फिलहाल के लिए मेरे लिए नामुमकिन सा है यार। ठीक है रुक जाओ, यहाँ पे थोड़ी सी बीवर डैम यहाँ से मैं भी दिखाई दे मेरे को। अबे चढ़ना ऊपर, ऊपर ही ना चढ़ रहा, संभल के। हाँ फिक्स कर ले भाई, फिक्स कर ले। यहाँ पे बीवर डैम से क्या, यहाँ पे भी नहीं है भाई। ये ले बेटा, ची भाई गाइस बैंड बज गया अपनी। पानी के नीचे जाके चेकआउट कर लूँ क्या बीवर डैम है कि नहीं गाइस? यहाँ पे भाई अभी थोड़ी दिक्कत होने वाली है अपन को, अपना डैमेज उतना ज़्यादा नहीं। इक्विस को टेम कर सकता हूँ क्या मैं भी? किसी अर्थ इक्विस है भाई, सारे के सारे भाई स्पेशल भाई, थोड़ा सा डैमेज देने वाले इक्विस है। कोई यहाँ पे नॉर्मल इक्विस दिखाई नहीं दे रहा, इक्विस से मैं थोड़ा सा डैमेज अपना बढ़ा सकता हूँ यार, बट क्या ही बोले। चला अच्छा पानी के नीचे चल, फिश है। एक भी बीवर डैम नहीं है यार, मजाक कर रहे हो क्या? निकल जा बेटा बाहर, निकल जा बाहर। एक भी बीवर डैम नहीं है। ऑर्डर है, ऑर्डर का क्या चार डालूंगा? एक किसका अंडा है, प्राइम अनस्टेबल एग। उठाने की हिम्मत भी नहीं करना भाई, उठाने की हिम्मत भी नहीं करना। बेच क्या चिटिन और केरिटिन कहाँ से मिलेगा? 2 लाख भाई, 21 नॉर्मल वाला 21 गिगान तो बेदिकस भाई रैंडम। अबे कोई तो होगा जो मेरे से टेम हो जाए यहाँ पे। और तू वाला भाई, तू बेटा एक्सप्लोजिव भाई ले ले, और क्या विंड भाई तू बेटा बुगी मैन। अबे यार कोई नॉर्मल वाला डायनो नहीं है क्या भाई? रूडोल्फ भी दिख जाए मेरे को, उसी को टेम कर लूँगा। अर्जी बेटा एक सर्जेंट है, हाँ ये काम चल जाएगा। अरे टॉर्पोर कैसे देगा, काम कैसे चलेगा भाई? मैं उसको टॉर्पोर ही ना दे पाऊँगा, तू नॉर्मल है क्या भाई? डोंट भाई यार, डेटोनेटेड भाई, तो फटने बिटने वाले डायनोज है यहाँ पे गाइज, अपने लग गए गाइज। मेरे को यहाँ पे कोई भी डायनो दिखाई नहीं दे रहा जो नॉर्मल वाला हो, एक स्कूली डायनो गाइज। मेरे को पहले जो ना गाइज, किसी भी कीमत पे जो ना गाइज मिड स्पॉयलर बनाना पड़ेगा, उसके बिना अपना काम नहीं होने वाला गाइज। मिड स्पॉयलर बनाना पड़ेगा। हेलो आवर यू सर, रॉकेट ओ शिट, इनके नज़ देखने जाना गाइज। इनको भाई छूओगे ना डायरेक्टली भाई रॉकेट छोड़ दिया गाइज, ये डायरेक्टली रॉकेट छोड़ दे और आपकी डायरेक्टली पेटी बन जाएगी। गलती से भी उस भाई कार भाई क्या है वो पिंगविन को छूना नहीं गाइज, वरना बैंड बच जाएगी। चलो गाइस मैं घर पे चलता हूँ और अपने आर्मी जो ना डोडोज की उसको डाल देता हूँ, और मैं जो ना गाइस थोड़े से भाई ट्रैंक एरोस बना लूँगा, उसके बिना जो ना गाइस अपना कोई भी काम नहीं बनने वाला। ओ बे यार सीमेंटिंग पेस्ट, सीमेंटिंग पेस्ट गाइस अपन को बनानी पड़ेगी, सिंपल सी बात है। अपन को बढ़ाना पड़ेगा एक ओपी वाला क्रॉस बो जिसका डैमेज एकदम तगड़ा वाला जाए, बात खत्म भाई। फिर देखता हूँ अपने सामने कौन टिक पाता है भाई। फिर भाई यहाँ पे 500-500, 600-600 का डैमेज दे के मार दूंगा मैं भाई। ये भाई क्लोनर वाला मल गया लोंडा भाई। ठीक है चलो आ जाओ घर पे चलते चुपचाप। A few moments later. आ जा डोडो, आ जा बेस गया, कभी अपने पास और कोई चारा नहीं है। रुक जाओ डोडो बीडो को यहीं पे फेंक देता भाई मैं। ओके टेलीपोर्टर का रिमोट बनाने के लिए क्या चाहिए था भाई, वैसे बताओ ना यार। टेलीपोर्टर का रिमोट बनाने के लिए क्या काम पड़ रहा था? इलेक्ट्रॉनिक सीमेंटिंग पेस्ट। अब यार ये तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी समस्या हो गई। ठीक है भाई वो बना ले, एकदम खतरनाक वाली वो चाहिए मेरे को। ठीक है भाई 900-900 का डैमेज तो भाई कम से कम पड़ना चाहिए भाई। एरो बना ले, एरो बना ले बेटा, एरो बना ले पावरफुल वाले एरो। फायर एरो के लिए क्या चाहिए होता है? प्रोलुलेंट ये कहाँ से बनता भाई? पी आर ये वाला किससे बनता है? कैक्टस सैप सल्फर, सल्फर नहीं मेरे पास, छोड़ दे भाई। ओके भाई इस बो को ना एकदम असेंडेड वाला बना डालना है अपन को। ठीक है इसके लिए थोड़ा सा मेटल चाहिए होगा मेरे को। अब मिड बिड मेरे इन्वेंटरी में क्यों है गाइस? रुक जाओ फालतू सामान सारा का सारा इसके अंदर डाल देता भर के। ओके ये मिड बिड ये किसी काम का नहीं अभी मेरे पास। हाँ थोड़ा सा जो है ना गाइस रुक जाओ मैं थोड़ा सा और जो भाई अपना क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं यार अपना मेटल जो है ना गाइस वो पिघलाने के लिए डाल देता हूँ भाई। यहाँ पे ग्राइंडिंग काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी यार, ग्राइंडिंग के बिना अपना काम नहीं बनेगा। ठीक है भाई समझ रहे हो ग्राइंडिंग के बिना अपना काम नहीं बनेगा। मेरे को वो बना ले भाई, फोर्ज बना के दे दे भाई, फोर्ज हाँ ये वाले 10 बना देगी का, 10 बना देना ज़्यादा नहीं भाई। ठीक है 10 फोर्ज जो ना गाइस इसके अंदर बन रहे हैं। पुराने वाले फोर्ज आप रिमूव करने का टाइम आ चुका है, पुराने वाले फोर्ज में जो ना गाइस काम काफ़ी ज़्यादा स्लोली होता है भाई। ठीक है ये वाले फोर्ज यहाँ से रिमूव करने का टाइम आ चुका है।
ऑल राइट ये ले बेटा वुड बीड दे दो वापस। और यहाँ पे जो ना कैसे अपन मेटल जो ना कहीं ज़्यादा स्पीड में नए वाले जो प्राइमल फियर वाले पोर्ट है उनके अंदर जो ना कहीं पिघला सकते हैं। भाई अपन तीन एपिसोड से बस ग्राइंडिंग करे जा रहे यार, उसके अलावा और कुछ नहीं करे जा रहे भाई। वट इज़ दिस बिहेवियर? मेटल तो अपने पास काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। वुड भाई मेरे को जो ना कहीं काफ़ी ज़्यादा आप इकट्ठा करना पड़ेगा, वुड की थोड़ी सी कमी है। बाहर जाके थोड़ा सा वुड लेके आता हूँ। बोले यहाँ पे मेटल जो ना कहीं भर भर के डालने दो, और मेरे को सबसे पहले आप फोर्ज लगा दो भाई। ठीक है अपने फोर्ज बन गए क्या 10 के 10? शायद हाँ भाई 10 के 10 फोर्ज बन चुके हैं। डोडोस वीडोज को बाहर अभी नहीं निकाल के रखने वाला मैं, ठीक है इनको बाद में बाहर निकालूंगा। और अब थोड़ा जगह छोड़, ये 1 उसके बाद ये 2 ये 3 उसके बाद ये 4 5 6 7 8 9 एंड भाई 10 भाई। ठीक है 10 भाई डंडन। अबे डोडोज को काय बाहर निकाल रहा है, इसको उठा के यहाँ पे डाल दे। अगर बाहर निकाल भी दिया है तो यहाँ पे रख दूंगा। ओके एंड इसके अंदर मेरे को डालना है मेटल भाई। ठीक है 5000 डाल दे हर एक के अंदर अभी फिलहाल के लिए। हर एक के अंदर गाइस 5000 डाल दूंगा। थोड़ा सा मेटल मेरे को बाहर, अच्छा भाई है मेरे पास थोड़ा सा और बाहर से जो है ना वुड और मेटल लेके आता हूँ, क्योंकि इनके भाई काफ़ी ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। और भाई वुड और भाई अभी मेटल के बिना जो ना कैसे अपना काम नहीं होने वाला। अपने हथियार किधर है? ये रहा भाई और दूसरा हथियार रहा ये भाई। ठीक है चलो गाइस बाहर से थोड़ा सा वुड और मेटल जो ना गाइस वो लेके आते हैं। भाई ये ग्राइंडिंग काफ़ी ज़्यादा भाई बोरिंग है भाई, दिमाग घूम जाते हैं ग्राइंडिंग करते करते। मेडल का पत्थर रिस्पॉन हो गया क्या? नहीं। ओह तेरी हेल्थ कितनी बेटा? फिर से काम चला लो। 13000 भाई वो बनने दे असेंडेड वाली, तेरे को पेल देता मैं। वो बनने दो कैसे असेंडेड वाली भाई, ये तो गेम बजा डालूंगा मैं भाई। वो बना ही लूँगा पहले जाके, पहले जाके वो बना लेता हूँ, क्योंकि ये भाई एंक्लोसोरस अगर मर गया ना तो सीमेंटिक बेस बन जाएगा, मिड स्पॉयलर बन जाएगा, हर एक चीज़ बन जाएगी अगर मैं इसको मार पाया तो। और स्पिरिचुअल गीगा है भाई। ठीक है चलो कोई ना, आ जाओ चलो भाई, बस बनने दो भाई मेरी यहाँ पे एकदम असेंडेड वाली वो। फिर भाई इसको जो ना पेलम पाल देता भाई। ऑलराइट ले बंद कर ले दरवाज़ा, पहले बंद कर ले भाई, आ जाओ चलो। ऑलराइट इसके अंदर यहाँ पे डाल दो वुड भर भर के एंड इसको चालू कर दे भाई। इसके अंदर भी डाल दे वुड, इसको भी चालू कर दे, इसके अंदर भी वुड डालना है। और मेरे पास आई थिंक मेटल जो ना कहीं और थोड़ा सा होना चाहिए। मेटल है क्या फोर्ज के अंदर? नहीं भाई ऐसे लार्ज बॉक्स आ भाई। ये ले बेटा उठा ले सारा मेटल, सारा मेटल उठा लो। ले बेटा चलो गाइस मेटल जो ना गाइस यहाँ पे पिघलाने के लिए डाल रहा हूँ मैं। हर एक इसके अंदर जो ना गाइस 5000 डाल रहा हूँ, उससे जो ना 2500 मेटल तो अपन को बड़े आराम से मिल जाएगा। कम से कम 2500 जो ना गाइस वो मिल जाएगा मेटल। ठीक है चलो। ओके लाइट ओके मेटल यहाँ पे बन रहा है। क्रॉसबो को एकदम असेंडेड वाली बना लेते हैं भाई। ठीक है वुड बीड चार्ज बीच फाइबर बीबर हाइट बीड चाहिए। मेटल 195 है भाई, उससे ज़्यादा मेटल नहीं है मेरे पास। इतने से बन जाएगी क्या असेंडेड वाली? मुझे लग तो नहीं रहा बट फिर भी ट्राई मार लेते हैं। क्या चाहिए? फाइबर चाहिए क्या? फाइबर लेके आता ना बाहर से, पहले इसके अंदर वुड भी डाल के रखता हूँ। चलो भाई मेरे को फर्टिलाइज़र पता नहीं कहाँ से मिला, लेकिन अच्छी बात है कि मेरे को फर्टिलाइज़र मिल गया भाई। ठीक है ऑलराइट ये ले। और मेरे को चाहिए होगा थोड़ा सा फाइबर, तो यही से मिल जाएगा ना मेरे को फाइबर है ना कहीं से। ओ भाई ये ले भाई 10-20 हज़ार फाइबर तो यही से मिल गया। थोड़ा सा मेटल चाहिए होगा, बस देखते कितना मेटल पिघला हुआ है। अगर मेटल की कमी पड़ी ना तो आई थिंक मेरे हिसाब से अभी तक मेटल पिघल गया होगा भाई यहाँ पे अपने पास। ओके बो अपग्रेड अपग्रेड नाइस वन, एक और अपग्रेड डाल, एक और फाइनल अपग्रेड है भाई। क्या चाहिए? 17 मेटल। मेटल तो भाई मेरे हिसाब से पिघला होगा भाई। इनगोट मेटल इनगोट रिफाइंड फोर्ज, हाँ भाई ये ले भाई। भाई बन गया गाइस, काफ़ी ज़्यादा मेटल पिघल गया, 99 पिघल गया गाइस कुछ मिनट के अंदर भाई। भाई अपना डिसीजन सही था गाइस, वहाँ पे वो वाली अपग्रेड मतलब प्राइमल फेयर वाली जो ना गाइस वो लगाने का। एरो बना ले, एरो नॉर्मल वाले 100 बना ले अभी फिलहाल के लिए। ठीक है और एक्स्ट्रा 100 बना लूँ, एक्स्ट्रा 100 बना लेता हूँ क्योंकि कभी भी ये काम आ सकती है। चलो गाइस अभी बाहर जो अपना एंग्लो है ना गाइस उसको पेलना पड़ेगा अपन को, क्योंकि उसको मार के जो ना गाइस हमको केरेटिन मिलेगा भर भर के, और उसी से हम सीमेंटिंग पेस्ट बना पाएंगे गाइस। और उसी सीमेंटिंग पेस्ट से जो ना गाइस हम सारी की सारी चीज़ें बना लेंगे। सबसे पहले जो ना, अरे यार इलेक्ट्रॉनिक मेरे को गाइस यहाँ पे जो ना गाइस अपना वो बनाना था रिमोट। रिमोट के बिना जो ना गाइस यहाँ पे अपने बेस पे रिटर्न आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है भाई। कहाँ पे एंग्लो? इधर आ बेटा। कितना डैमेज देगा? 750। अबे नॉर्मल नहीं है, मिस काय का मिस? नीचे मत कूदना भाई, अबे नीचे मत कूद, अबे नीचे मत कूद भाई। हेल्थ कितनी है लोंडे की? हेल्थ कितनी है बता? 10000 ही है भाई। कुछ भी करेगा ये कैंडीमैन भेज के आग, चला जा, डरते क्या? थैंक यू बाबा भाई, कुछ भी करेगा अपन भाई केरेटिन के लिए तो कुछ भी करेगा भाई। बहुत हो गया भाई, बहुत अकेले चुप जा बाबा, बहुत अकेले चुप जा। आ जा बेटा
इसको ऐसा लग रहा है कि मेरे को दिखाई नहीं दे रहा भाई, इसकी तो बैट बजा के रख दूंगा। मेरे को केरिटिन चाहिए बेटा, वो केरिटिन चाहिए भाई। स्पेक्टर वाला इंक्लू था, मैंने देखा ही नहीं, मेरे को लगा नॉर्मल वाला है अपना। जल्दी मार भाई, हाफ हेल्थ तो मैंने इसकी डाउन कर ही ली भाई। ये मेरे से भग रहा है गाइस, आई डोंट नो व्हाई। इसको एक्चुअली में भगना नहीं चाहिए, इसको मेरे को पर अटैक करना चाहिए। बड़े भग रहा है यहाँ से, कोई अच्छी बात है। चलो इसको पेल देता अपन। गाइस यहाँ पे एवलांच आ चुका है सामने से, देख रहे हो गाइस भाई। वो यहाँ पे टच करे अपन को, उससे पहले इसको मार के मेरे को हार्वेस्ट करके निकलना पड़ेगा, साइड हटना पड़ेगा, वरना एवलांच मेरे को साथ में जो है ना गाइस नीचे घसीट घसीट के लेके जाएगा। जल्दी भाई बरबर के केरिटिन देना। एवलांच आ चुका है, मैं माई झुकेगा नहीं भाई इसकी आँख। हाँ भाई लेट्स गो, साइड हट जा, साइड हट जा, साइड हट जा, साइड हट जा। अबे यार ये तो एवलांच खत्म ही हो गया भाई, मेरे को ज़्यादा डैमेज ही नहीं दिया। चलो गाइस अपन को केरिटिन जो ना गाइस वो मिल चुका है, थोड़ा सा क्रिस्टल भी लेकर चलता है, रेयर मशरूम भी मिलेगा यार। अब बरबर के रेयर मशरूम मिल रहा है, सही है। चलो मेटल बिटल है क्या, ऑब्सीडियन है क्या यहाँ पे नीचे? चलो ऑब्सीडियन भी लेके चलता गाइस, ठीक है ऑब्सीडियन भी लेके चलता, थोड़ा ये अपने काम आएगा ना कोई चीज़ बनाने के लिए गाइस। ऑलराइट चलो इतना काफ़ी है ना गाइस, इतना काफ़ी है, ओवरवेट नहीं होना है मेरे को। चलो गाइस अभी अपन ऊपर चलते हैं और सीधा अपने घर पे जाके जो ना गाइस यहाँ पे मोटार के अंदर सीमेंटिंग पेस्ट बनाने के लिए डालते हैं। आ जाओ गाइस अभी यहाँ पे जो ना गाइस अपन को फटाक से सटाक से मोटार के अंदर जो ना गाइस सीमेंटिंग पेस्ट भर भर के बनाने के लिए डालना है भाई, ठीक है। अपने पास केरिटिन की जो ना बिल्कुल भी कमी नहीं है। ऑलराइट मेरे को बस अभी ऑयल चाहिए होगा गाइस, ऑयल एक बार मिल गया ना तो भाई फिर तो भाई एकदम फुल टू मजे ही मजे हो जाएंगे, मजाने लाइफ हो जाएगी यार। ज़्यादा केरिटिन नहीं मिला यार मेरे को, बट भाई सीमेंटिंग पेस्ट तो बन जाएगा। एक बार सीमेंटिंग पेस्ट बन गया तो उसके बाद तो अपन को कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है गाइज, ठीक है। ये ले बेटा, बट ज़्यादा मेरे को केरिटिन नहीं मिला है, जितना मिला है उतना इसके अंदर डाल के जो ना सीमेंटिंग पेस्ट बना लेता हूँ मैं। अगर ये भी डाल दे भाई थोड़ा सा, डन 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 डन, ठीक है 400 तो बन जाएगा, मतलब भाई 2-3 हज़ार तो बन ही जाएगा बड़े आराम से। चलो लेट्स गो, डन 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 डन। मीट फेंक देता हूँ, मीट मेरे किसी काम का नहीं अभी फिलहाल के लिए गाइस, ठीक है। एंड मीट स्पॉइलर बनाने के लिए मेरे को ऑयल की जरूरत है, तो ऑयल जो ना गाइस वो अपन को मिलेगा वॉल्केनिक बैम में, और वॉल्केनिक बैम में जाके जो ना गाइस मेरे को ऑयल का जुगाड़ करना पड़ेगा यहाँ पे। अरे मेरी फूटी किस्मत गाइस, कितना ज़्यादा तुड़ुक जाम करना पड़ेगा, और वापस से मैं यहाँ पे आ नहीं सकता गाइस, समझ रहे हो, क्योंकि भाई मैं भाई रैंडम लोकेशन पे भाई यहाँ पे टेलीपोर्ट मारूंगा। चलो भाई अभी मेरे पास और कोई चारा नहीं है भाई, से हेलो भाई, अच्छा चल अच्छा भाई टेलीपोर्ट मारना पड़ेगा गाइज। मेरे पास ऑयल जो ना गाइज वो भाई लेने का एक ही चांस है, और एक ही मौका है, और एक ही जगह है, वो है गाइज यहाँ पे वॉल्केनो भाई, ठीक है। चलो नॉर्थ में चलते वॉल्केनो के। ऑलराइट गाइज लेट्स गो गाइज, अपने पास और कोई चारा नहीं गाइज, अपन को जो ना वापस से भाई आइस बैम में रैंडम लोकेशन पे आना पड़ेगा, एंड वहाँ से चल चल के अपन को बेस पे आना पड़ेगा। एंड गाइज बेस पे आने के बाद गाइज मेरे को यहाँ पे जो ना मिड स्पॉइलर बनाना पड़ेगा गाइज। भाई काफ़ी ज़्यादा बोरिंग काम है यार ये भाई, बस दौड़ना पड़ रहा है मेरे को इस बार में, एक जगह से दूसरी जगह पे दौड़ना पड़ रहा है भाई, इतनी ज़्यादा मेहनत लग रही है ना क्या बताओ, लेकिन ग्राइंडिंग में मज़ा तो है भाई बहुत ज़्यादा भाई। हो गया गाइस? नहीं यार ग्राफिक लोड नहीं हुआ, मैं इंतजार कर रहा था ग्राफिक लोड होने का। पानी देख रहे हो भाई, पूरा का पूरा काला है भाई, कुछ दिखाई नहीं दे रहा भाई। पानी जाए भाड़ में, ऑयल ले लो, कल्टी मार लो भाई, सिंपल सी बात है। मैं जिस चीज़ के लिए आया हूँ वो लेके मैं कल्टी मारूंगा, मेरे को यहाँ पे बिल्कुल भी जो ना रिस्क नहीं लेने का बाबा, ठीक है। ऑल राइट नॉर्थ में आया हूँ, नॉर्थ में मेरे को कोई भी खतरा यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा गाइज। 3000 ऑयल से काम बन जाएगा, और ले ले भाई और ले ले, वापस में इतने जल्दी नहीं आने वाला यहाँ पे। यहाँ पे इन गैस ट्यूब के पास नहीं जाना, सफोकेट हो जाऊँगा, सफोकेशन भाई, गाइज देख रहा हूँ सफोकेशन भाई, भाई गला जो ना गाइज ये देखो भाई पानी, और देखो यार ये पानी देखो पूरा का पूरा काला हो चुका है गाइज, ये पानी में भी ऑयल मिल चुका है मेरे को लग रहा है गाइज, देख रहा हूँ गाइज टॉर्पोर भी चल रहा है, हेल्थ भी डाउन हो रही है गाइज मेरी, लेकिन कोई ना गाइज ठीक हो जाएगा ये, अपने के पास सीलिंग पोशन है तो अपन बच जाएंगे गाइज, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ओके आजा बाहर निकल, बाहर निकल, मर भी जाएगा बाहर निकल जा लूंडे। वो अलग अच्छी बात है कि अपन जो है पूरी सीरीज में सिर्फ एक ही बार मरे गाइज, देख रहे हो टैलेंट तुम्हारे भाई का, देख रहे हो टैलेंट। ओके क्या हुआ, लग रहा है मेरे को वॉल्केनो फट गया गाइज, उधर वॉल्केनो फट गया क्या, लग तो रहा है कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा, शायद फट गया गाइज वॉल्केनो। छोड़ो अपन को कुछ लेना देना नहीं है गाइज, मेरे को बस यहाँ पे भर भर के ऑयल चाहिए गाइज, ठीक है। मेरे को काफ़ी ज़्यादा ऑयल जो है ना गाइज वो यहाँ पे मिल चुका है, एंड अभी अपन वापस से जाने वाले गाइज अपने कहाँ पे, आर्टिक लूनार वॉल्केनिक कहाँ पे जाने वाले भाई अपन, आर्टिक में भाई, ठीक है आर्टिक में जाएंगे, नॉर्थ में भाई, ठीक है। चलो लेट्स गो भाई, एंड भाई वापस से चल चल के जो ना गाइज मेरे को जाना पड़ेगा यार अपने घर के पास। अरे अरे और आर्टिक में जाते वक्त देख रहे हो गाइज ऐसे स्नो वाला पूरा का पूरा जो ना सर्कल बनता है वाइट कलर का, और अगर आप लूनार में जाते हो तो शायद भाई ब्लू कलर का बनता है, और वॉल्केनिक बाय में आते हुए रेड कलर का सर्कल बनता है, और ओशन में भी ब्लू कलर का बनता है, बॉक में आई थिंक ग्रीन बीन कलर का बनता है, ऐसा कुछ है भाई, देख लेंगे क्या गाइज, देख लेना अगली बार जब मैं टेलीपोर्ट मारूंगा ना तो देख लेना कि कौन से जो ना गाइज बैम के लिए कौन सा वाला सर्कल बनता है। वापस से वही पे आ गया क्या बेटा,
ना इस बार नहीं, नहीं इस बार थोड़ा अलग आया हो, मेरे को इस तरफ जाना पड़ेगा। हाँ इस बार थोड़ा अलग आया, और यहाँ से इस डायरेक्शन से नॉर्थ से एक्चुअली में मेरा बेस काफ़ी ज़्यादा क्लोज है भाई। नॉर्थ से जो ना कहीं रुक जाओ, स्टोन फेंक दे बेटा, स्टोन काफ़ी ज़्यादा है मेरे पास, मेरे को बताया भाई स्टोन काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए तो ओवरवेट हो भाई। नॉर्थ से अपना जो घर है ना गाइज वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज है, क्योंकि नॉर्थ से मैं फटाक से जो ना गाइज वो जो हमारी नदी थी ना गाइज उस नदी के पास पहुँच सकता हूँ, तो ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है गाइज। ये देखो गाइज मैं नॉर्थ में जो ना गाइज डायरेक्टली उस नदी के मतलब वो जो झील के साइड में जो नदी थी ना गाइज वो छूटू सा वो जो भाई नदी के जैसा कुछ तो भाई झरना था ना गाइज वहाँ पर पहुँच जाऊँगा इजी पीजी भाई। ये देखो गाइज ये देखो झरने के पास हूँ क्या मैं, नहीं तो रोड है झरने की तरफ जाने का, ये वो नदी की तरफ जाने का रोड है भाई। हाँ वो रहा गाइज ये देख रहे हो बड़ा सा स्ट्रक्चर, इसके पीछे वो झरना है भाई। चलो गाइज चले जाते गाइज अपने घर पे। A few moments later. चलो घर पे तो पहुंच चुके, अभी काम जो है ना गाइज वो फटाक से अपन को शुरू करना है गाइज, ठीक है। अरे यार सीमेंटिंग बेस 15 तो बनी गया होगा भाई, भाई कितना ज्यादा भाई ये गरीब है ब्रो, ये ले बेटा 350 बन गया, 15 मांग रहा है तो भाई 350 बन गया भाई, ये ले ये दबा के और भाई 1000 बनाने के लिए डालता मैं। चलो आ जाओ अभी मेरे को बता कि यहाँ पे जो ना मिड्स बॉयलर बन पाएगा कि नहीं भाई। मिड्स बॉयलर तो बड़े आराम से बन जाएगा गाइज, ये रहा अपना मिड्स बॉयलर, इसको जो ना गाइज अपन यहाँ पे लगा डालेंगे। कहाँ पे लगाए, जगह ही नहीं बची यार, जगह गई कोपचेवाड़ी में, इधर हाँ इधर बना, इधर लगा दे भाई, ठीक है। इसके अंदर मेरे को जो ना गाइज स्पार्क पाउडर बिग पाउडर डालना है। मिड कितना है मेरे पास, रॉ मिड खींच ले बेटा, 27,000 है। पुल कर भाई, अभी रॉ मिड सारा का सारा इसके अंदर डाल दे, अभी रॉ मिड एरविको इसके अंदर डाल देंगे। और यहाँ पे जो ना गाइस पॉल मिड एकदम दबा के बन जाएगा, उससे जो ना गाइस अपन ट्रैंक एरो बनाएंगे, और अगले एपिसोड में जो ना गाइस अपना टेमिंग जो ना गाइस वो हो जाएगा चालू भाई, ठीक है। ये रहा भाई, ऑल राइट डन। एंड आई थिंक मैं सोल गन अभी एक्चुअली मैं बना सकता हूँ ऐसा मेरे को लग रहा है, चलो चेकआउट कर लेते हैं भाई, ठीक है। मिड स्पॉयलर टर्न ऑन, और यहाँ पे मिड जो ना गाइस वो स्पॉयल होना चालू हो चुका है, देख रहे हो खतरनाक भाई। अभी मैं यहाँ पे गन बना सकता हूँ क्या, सोल गन खतरनाक सोल गन बना ली गाइज। चलो भाई एक चीज तो अपनी बन गई, टेलीपोर्टर। इलेक्ट्रॉनिक चाहिए मेरे हिसाब से, इलेक्ट्रॉनिक नहीं है यार अपने पास, इलेक्ट्रॉनिक नहीं है भाई। थ्रीजिनोसॉरस को अगले एपिसोड में टेम करके इलेक्ट्रॉनिक का जुगाड़ कर लेंगे भाई, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का गाइज, ठीक है। अभी आज के एपिसोड में काफी ज्यादा ग्राइंडिंग कर ली गाइज अपन ने, अगले एपिसोड से जो ना गाइज हमारी टेमिंग जो ना गाइज वो चालू होने वाली है गाइज, ठीक है। आज तो हमने काफी ग्राइंडिंग कर लिया, हम ऑयल लेके आ गए गाइज, हम थोड़े से डोडोस टेम करके लेके आए, मतलब काफी ज्यादा जो ना गाइज आज अपन को तुड़ुक जाम करना पड़ा, लेकिन कोई ना गाइज मेहनत का फल मीठा होता है गाइज। फाइनली अगले एपिसोड में हम जो ना गाइज यहाँ पे टेम करने वाले खतरनाक एंड ओपी से जो ना गाइज थ्रीजिनोसॉरस को, और गाइज अपन जो ना गाइज अगले एपिसोड में ट्रैंक भी गैरो एकदम खतरनाक वाली बना के उसको टेम करके रहेंगे, फिर कुछ भी हो जाए, और अगले एपिसोड में हम टेलीपोर्टर और उसका रिमोट तो बना के रहेंगे गाइस। तो गाइस फिलहाल के लिए आज का एपिसोड आर्क सर्वाइवल बोल का प्राइमल फियर प्लस आर्क ओमेगा का ये पे खत्म होता है, मिल जाएगा जब से अगले एपिसोड में, तब तक ले बाय बाय एंड गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो गाइस, सी यू लेटर, टाटा बाय बाय, गुड बाय गाइस। और गाइस यहां पे नीचे डिस्क्रिप्शन में गेमिंग विद आंडी के चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहां पे अपने एकदम ओपीसी सीरीज चालू है गाइस आर्क मिथिकल वर्ल्ड की, वो भी जरूर देख लेना गाइस, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, बाय बाय, सी यू लेटर गाइस। And how careless we yeah. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk.